अभिनेता सलमान खान फिर राजस्थान के जोधपुर पहुंच चुके हैं। आज सलमान खान को कानकाणी काले हिरण शिकार केस में कोर्ट में पेश होना है। कानकाणी काले हिरण के शिकार के केस में पिछले महीने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद सलमान को जेल में जाना पड़ा, बाद में सलमान खान को जमानत मिल गई। सजा मिलने के बाद सलमान खान ने सेशंस कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सजा को रद्द करने की मांग सलमान खान की तरफ से की गई है, लेकिन जोधपुर सेशंस कोर्ट ने सलमान को 7 मई यानी कि आज की तारीख के लिए कोर्ट में पेश रहने के आदेश दिए थे। आज कोर्ट में यह तय होगा कि सलमान की अपील पर सुनवाई हो या फिर नहीं हो, ये आज कोर्ट को तय करना है। और इसके लिए कल ही सलमान खान जोधपुर पहुंच चुके थे। सलमान खान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री और जमानत देने वाले जिला और सेशंस कोर्ट के जज आर के जोशी दोनों का तबादला हो चुका है। जिस तरह उन्होंने अपील की थी, अपील के अंतर्गत उन्हें सेंटेंस सस्पेंड किया गया, जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाएगा, निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक ये जमानत दी गई है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो उनके द्वारा मुचलके पेश किए गए हैं वो मुचलके प्राप्त होंगे, तथा साथ ही साथ सलमान खान व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। जो अपील इन्होंने पेश की उस पर बहस होके उसका निर्णय होगा, वो अभी न्यायालय में उपस्थित होगा और उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और आगामी तारीख पेशी पर बहस के लिए निर्णय की जाएगी। तो सलमान खान पर आज कोर्ट में क्या होने जा रहा है, किस बात पर सुनवाई होने जा रही है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से फटाफट बता देते हैं कि आज का दिन सलमान के लिए अहम क्यों है। क्योंकि सलमान खान की आज कोर्ट में पेशी होगी। चूंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है पेश होने के लिए, कानकाणी काले हिरण शिकार केस में ये पेशी सलमान खान की होने के लिए जा रही है। 5 साल की सजा के खिलाफ अर्जी दी थी सलमान खान ने, दोषी करार दिए गए थे कोर्ट की तरफ से 5 साल की सजा। और सुनवाई में तय होगा कि अपील जो सलमान खान ने की है उस पर सुनवाई हो या फिर ना हो, यानी कि अपील स्वीकार होती है या नहीं, ये आज तय हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।